परमात्मा का संदेश प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, विषय विश्व कल्याण के लिए साल में एक दिन परमपिता परमात्मा के लिए हो, जिसमें वह दिन समस्त विश्व में परमात्मा की स्मृति में व्यतीत किया जाए, जिससे विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी और यह दिन सभी धर्मों, जातियों व संप्रदायों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगा। यह दिन परमात्मा जयंती दिवस के रूप में मनाया जाए। माननीय महोदय, आप सदैव खुश रहें, आपके चेहरे पर खुशी हमेशा बनी रहे, आप सदैव स्वस्थ एवं निरोगी रहें, आप सदा ही उमंग और उत्साह के साथ कार्य करते रहते हैं। आपका यह सरल स्वभाव भी आपका सबसे अमूल्य गुण है। आप जो विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, वह हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। आपने सभी को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये अवश्य ही सार्थक होगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए व अपने भारतवर्ष के लिए है। मैं अखिलेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष हुनर बाल कल्याण एवं सेवा समिति हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ से आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आपको परमात्मा के लिए भी कार्य करना है, जिसके हम सभी अनन्य बच्चे हैं। मैं आपको एक नए विश्व कल्याण के कार्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा के द्वारा आपको एक विश्व कल्याणकारी अभियान चलाना है। वह है समस्त विश्व में परमात्मा जयंती दिवस की घोषणा। जैसे हम सब हर साल समस्त विश्व में कोई न कोई त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जयंती, योग दिवस, क्रिसमस डे व किसी भी महापुरुष की जयंती अवश्य ही मनाई जाती है। जिस परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, वह हम सभी बच्चों को जन्म दिया है, हमने आज तक उनकी याद में कोई भी दिन नहीं मनाया, क्यों ना समस्त विश्व के सभी धर्मों, जातियों व संप्रदायों के सभी लोग मिलकर साल में एक बार संगठित रूप से उस परमात्मा को याद करें, जिसके हम सभी रचना है, जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। इसके लिए आप विश्व के सभी देशों को प्रेरित करें, चाहे वह विकसित देश हो या विकासशील देश, इसमें सभी में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी। यह परमात्मा जयंती दिवस सभी धर्मों, जातियों व संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करेगा। विश्व का यह सबसे कठिन कार्य है, मुझे पता है। आपको चुनौतियाँ हमेशा से ही पसंद आई है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो आज तक किसी की स्मृति में नहीं आया। हो सकता है परमात्मा ने आपको ही इस विशेष कार्य के लिए चुना है, क्योंकि आप में असंभव को भी संभव करने की विशेष प्रतिभा है। यह विश्व कल्याण का कार्य ही आपको एक विश्व कल्याणकारी के रूप में विश्व का सबसे महान पुरुष बनाएगा। आपको अपना वादा याद है ना? सबका साथ, सबका विकास और परमात्मा पर विश्वास। मेरा भी सपना है, मैं भी इस कार्य में आपकी मदद कर सकूं, पर आप तक पहुंचना मेरे बस में नहीं है। इसलिए परमात्मा के खत के माध्यम से अपने विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, और तब अंत में आपसे यही आशा रखता हूं कि आप इस कार्य के लिए अवश्य ही कोई ना कोई कदम जल्द ही उठाएंगे और इसके इंतजार में हूं। मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि आप ऐसे ही प्रगति करते रहें। ईश्वर आपको सदा सुख रहे। यह एक शुभ संदेश है जो परमपिता परमात्मा के लिए है। धन्यवाद।